आपसी विवाद मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना को लेकर अधिवक्ता सुनील कुमार ने सत्र न्यायाधीश तथा बार एसोसिएशन के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाया है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक से घटना की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। व्यवहार न्यायालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब पुलिस तथा अधिवक्ता के बीच मारपीट की घटना घटित हुई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अधिवक्ता सुनील कुमार अपने मूल वकील से मिलने के लिए मुख्य गेट पर आए थे और मूल वकील का इंतजार कर रहे थे। उसी समय सिविल कोर्ट के मुख्य गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने आपत्ति जताई। अधिवक्ता द्वारा अपना परिचय देने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों ने अपमानजनक शब्द बोलते हुए मारपीट की। घटना को लेकर बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक से घटना की जांच कर तथा पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही मांग किया कि अगर न्याय नहीं मिला तो सिविल कोर्ट के गेट पर सभी अधिवक्ता धरना देंगे। मुवक्किल से मिलने के लिए मेन गेट जो जहां सिपाही लोग खड़े रहते हैं वहां पर गए थे बाहर और उन मुवक्किल का हम इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में पुलिस कर्मी ने आ करके कहा जी यहाँ से हट जाइए। हमने उनको कहा जी हम अधिवक्ता हैं और मुवक्किल बाहर में आया हुआ है, इससे हम मिलने के लिए आए हैं। तब तक उन्होंने पीछे से हमको धक्का दिया, इसका हमने उनको पुरजोर विरोध किया कि आप वकील पर हाथ चला रहे हैं। तब उन्होंने दो तीन सिपाही और आए और हम पर हाथ चलाए। हमने इसका विरोध करते हुए माननीय अपने बार एसोसिएशन के सचिव को इसकी प्रति उपलब्ध करा दी है और हमने मांग किया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से कि सीसीटीवी फुटेज कैमरा को देखा जाए। एक अधिवक्ता के सम्मान की बात है और पुलिस कर्मी ने जिस तरह से हमारे साथ मारपीट दुर्व्यवहार किया है इससे हमारे मान सम्मान को बहुत क्षति पहुंची है और हम उनसे मांग करते हैं, एसपी साहब से भी मांग करते हैं, ऐसे दंडित पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाए जो अधिवक्ताओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील कुमार से। अगर हमारे माननीय अधिवक्ता ने अगर उनके साथ गाली गलौज किया है उन सिपाही को उन सब जवानों को उसकी शिकायत जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सेक्रेटरी से जिला जज से या पोस्ट इंचार्ज से करना चाहिए। हम अगर मानते हैं कि अगर उन्होंने गलती किया है तो आप उसकी जांच करिए, उसकी लिखित आप कंप्लेन करिए उन अधिवक्ता के खिलाफ बार है उन पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सिविल कोर्ट के गेट पर जो पुलिसकर्मी हैं जो जाँच के नाम पर रुपया पैसा लेकर लोगों को अंदर घुसाने का काम करते हैं और जिस तरीके से अधिवक्ता को पीटा गया, हमारे माननीय अधिवक्ता ने बार अध्यक्ष के जो सेक्रेटरी हैं उनको लिखित आवेदन दिया है जिसका ये प्रति है और हम लोगों ने जिला जज से भी मिलके हम लोगों ने मांग किया है। हमारे सारे अधिवक्ता गए थे जिला जज के पास कि जिला जज महोदय आप सीसीटीवी कैमरा से जांच कराइए कि मान लीजिए गाली गलौज का यह पनिशमेंट नहीं होगा कि आपने मारपीट किया, लेकिन जो मारपीट किए हैं पुलिसकर्मी आगे प्रोसेस किया आप लोग? हम लोग बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी को दिए हैं, जिला जज महोदय को से जाके मिलकर बोले हैं और हम लोग देख रहे हैं जब तक कि अधिवक्ता को पीटने वालों पर कार्रवाई नहीं होगा, यहाँ के पूरा सिविल कोर्ट के गेट को पोस्ट को बदला जाए, तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो निलंबित किया जाए जो पुलिसकर्मी ने इनको पीटने का काम किया हमारे अधिवक्ता मित्र को, नहीं तो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता एकताबद्ध होके इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में केस करने से लेके और लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे, जिला प्रशासन को तब कर देंगे। अमित कुमार गुप्ता और भवंती अधिवक्ता। ये अधिवक्ता हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, सैफ जवान भी आरोप लगा रहे हैं कि अधिवक्ताओं के द्वारा गलत कार्य किया गया जिसके परिणाम ये हुआ। ये सैफ के जवान अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं, ये जो कार्रवाई जो किए हैं जो दुर्व्यवहार किए हैं उससे बचने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई घटना वकील साहब नहीं किए हैं। अगर हम लोग जिला जज को लिख कर दिए हैं और बार सुन दिए हैं, अगर कार्रवाई 24 घंटे में छत्र नहीं होगी तो न्यायालय का ही बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम है आपका? शिवजी सर। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला।
जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझा